आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप रिजेक्शन से कैसे डील करें और कैसे रिजेक्शन को रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकें। जी हां, लाइफ में हमने कई बार रिजेक्शंस फेस किए हैं, यस और नो। बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट ने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी में नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे का रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा, राइट? और आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि रिजेक्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। रिजेक्शन क्या है? एक साइकोलॉजिकल पेन है जो दूसरों से आपको मिलता है। दे डू नॉट एक्सेप्ट यू एंड दैट्स वाई यू फील वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड, यू फील सॉरो, और ये साइकोलॉजिकल पेन आपको कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से रिजेक्शन को डील करें और उसे रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सके, एंड दैट यू कैन डू इट वेरी ईजली अगर आपको स्टेप्स पता चल जाए। आई एम गोइंग टू गिव यू 4-step formula। ये 4-step formula इतना पावरफुल है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने रिजेक्शंस को रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकेंगे हैप्पीली एंड ईजली। तो चलिए एक एक करके हम 4-step formula को जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रिजेक्शंस होल हार्टेडली। यस, अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं तो उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। क्योंकि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। लाइफ में आपको कितने सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आप मिलकर ये बात समझ सकते हैं कि अगर वो रिजेक्ट हो चुके हैं तो उन्होंने अभी तक ये माना ही नहीं कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। बार बार आप उनसे ये सुन सकते हैं, ये कहेंगे कि आखिर वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, कैसे मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिजेक्ट कर दिया, उस गर्लफ्रेंड ने मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिया, उस बॉयफ्रेंड ने मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिया, कंपनी ने मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिया। ओह माय गॉड, इफ यू आर रिजेक्टेड देन रिजेक्टेड, दैट्स ऑल। स्टोरी इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन होल हार्टेडली। जब आप इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं ना तो वहीं से आपके इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुल जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट द रिजेक्शन। सेकेंड स्टेप इज रिफ्लेक्ट ऑन द रिजेक्शन। यस, जब आपने पूरे दिल से ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ तो आखिर उसका एक्सेप्टेंस का कारण क्या है? क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर मेरी कमियां कहाँ रह गई, कहाँ पे मैं चूक गया जिसके कारण मुझे रिजेक्शंस मिली है, राइट? तो अब ये जो टाइम है, ये टाइम है अपने आप को जानने का। अपने स्ट्रेंथ को जानिए, अपने वीकनेस को जानिए, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसके ऊपर वर्क करना है, राइट? तो इस केस में आपको पूरे तरीके से अपने ऊपर फोकस करना है। कौन से स्किल्स की कमी रह गई है, कौन से नॉलेज की कमी रह गई है, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आपने कलेक्ट नहीं किया। इन दैट केस यू विल गेट द रियल सोल्यूशन दैट वेयर आई हैव टू गो। थर्ड स्टेप इज रीआर्मिंग योरसेल्फ। जहां जहां रिजेक्ट हो चुके हैं, जिस चीज के कारण आप रिजेक्ट हुए हैं उसको आपने रिफ्लेक्ट किया, उसको फाइंड आउट किया क्या वीकनेसेस है, उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए अब आपको रीआर्मिंग करना पड़ेगा। हाउ यू आर गोइंग टू रीआर्म योरसेल्फ? यू हैव टू फाइंड द स्किल्स, यू हैव टू फाइंड द नॉलेज, यू हैव टू एक्सप्लोर द मेंटर्स, गाइड एंड कोचेस, राइट? एंड यू हैव टू जनरेट द न्यू एक्सपीरियंसेस। तो इस तरीके से आप अपने आप को रीआर्म कर सकते हैं। जिस चीज में आपकी कमी रह गई है उस चीज को आप अब तराश रहे हैं। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है जिसके कारण आप फेल हो गए, अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए जिसके कारण आप फेल हो गए, आपके अंदर वो नॉलेज ही नहीं था, राइट? तो नॉलेज को अक्वायर करने के लिए आपने अब डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, आप मेंटर्स और गाइड को आपने एक्सप्लोर किया, नॉलेज अक्वायर किया, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए, कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारे वीडियोज देखे, कई सारे कोर्सेज को आपने किया, राइट?
तो इस तरीके से अब आपने अपने आप को रीआर्म किया, जो ओल्ड वर्जन था आपका राइट उसको आपने कन्वर्ट किया एक न्यू वर्जन में, आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड दैट इज द रीआर्मिंग योरसेल्फ। फोर्थ स्टेप इज गो टू द बैटल अगेन, अपने आप को रीआर्म कर लिया, न्यू स्किल्स न्यू नॉलेज न्यू एक्सपीरियंसेस को अक्वायर कर लिया। जिस कमी के कारण आप रिजेक्ट हो गए थे, अब उन सब सारी कमियों के ऊपर आपने वर्क किया, उन सब सारी कमियों को आपने अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, अब आप पूरी तरीके से नए फॉर्म में बदल चुके हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ चुका हुआ है। तो अब आप कंपनी में जाइए, इंटरव्यूज दीजिए, आप अपने बिजनेस क्लाइंट्स को डेवलप कीजिए, नए नए क्लाइंट्स के पास जाइए। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक कि लोग अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन है उस नए ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, राइट। सो नाउ यू हैव कन्वर्टेड रिजेक्शन इनटू रिवॉर्ड, राइट। सो यू मस्ट फील हैप्पी, यू मस्ट बी हैविंग द सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेकेंड ऑप्शन, आपको फिर से रिजेक्शन मिल रही है, राइट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिजेक्शन मिल रही है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फिर से थोड़ी सी कमी रह गई है, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लिया हुआ है कि सामने वाला आपके वैल्यू को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या आप जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, राइट। तो ऐसी चीज में आपको फिर से अपने ऊपर वर्क करना है। तो इस तरीके से आपने ये जान लिया कि रिजेक्शंस को किस तरीके से रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना है। यू विल फाइंड सो मेनी पीपल जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे और उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया और हर एक रिजेक्शन को रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया। मैं फिर से आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको रिजेक्शंस के बारे में डिटेल में जानना है और कैसे लोग थे जिन्होंने रिजेक्शन को रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया, तो आई बटन पे क्लिक करके रिजेक्शन अच्छे हैं इस वीडियो को डेफिनेटली आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और हर एक रिजेक्शन को उन्होंने रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दोज पीपल एज ए लेजेंडरी पर्सन। सो नाउ द टाइम फॉर कंक्लूजन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको फोर स्टेप फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे आप रिजेक्शंस को प्रॉपरली डील कर सकें और हर एक रिजेक्शन को रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकें। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग द रिजेक्शंस होल हार्टेडली, सेकेंड स्टेप इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिजेक्शंस, एंड थर्ड स्टेप इज रीआर्मिंग योरसेल्फ, फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू द बैटल अगेन। इस तरीके से आप इन फोर स्टेप्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हर एक रिजेक्शंस को आप रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ द टाइम फॉर कॉल टू एक्शन, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिस इज रिजेक्शन टू रिवॉर्ड वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपको रिजेक्शन वाला कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सारे रिजेक्शंस फिल करने हैं, कहां कहां पे आप रिजेक्ट हुए हैं, जहां पे भी आपको रिजेक्शन मिली है इस रिजेक्शन वाले कॉलम में फिल कीजिए। देन एक्सेप्टेंस वाला कॉलम, यस, इसमें आपको पूरे दिल से ये बात लिखनी है कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूं, बड़े अक्षर में लिखिए YES। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं रिजेक्ट हो गया हूं और इसको मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूं। सी, रिजेक्शन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं, जब आप कुछ नए चीज़ों को करने की ठानते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस वाले कॉलम में पूरे दिल से आप लिखिए यस, मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। देन रिफ्लेक्शन वाला जो कॉलम है, रिफ्लेक्शन वाले कॉलम में क्या करना है, कहाँ पे आपकी कमी रह गई है, कहाँ पे आपसे चूक हो गई है, व्हाट वेंट रॉन्ग, सारी चीज़ों को आप मेंशन कीजिए वन बाय वन। क्या कम्युनिकेशन में गलती रह गई, क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, क्या मैं सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल नहीं कर पाया, या मैंने अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं करा, मेरा बात करने का स्टाइल सही नहीं था, मेरा माइंडसेट सही नहीं था, मैं अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया, अपनी प्रिपरेशन पे टाइम नहीं दे पाया, एवरीथिंग, जो भी कमी रह गई आप उसको रिफ्लेक्शन वाले कॉलम में लिखिए। देन रीआर्मिंग का कॉलम है, रीआर्मिंग का कॉलम यानी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, नए टूल्स को अक्वायर करना है, नए वेपन्स को अक्वायर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे आपकी कमी रह गई थी उन सब सारी कमियों को दूर करने के लिए
अब आपने किसी कोच को ढूंढा, किसी मेंटर को ढूंढा, कोई आपने कोर्सेज किए चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, राइट, आपने नए स्किल्स को अक्वायर किया, नए बुक्स को पढ़ा, नॉलेज अक्वायर किया, सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल की। जो भी आपको काम करना है अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए, उसके लिए आप पूरे दिल से लग गए, तो रीआर्मिंग वाले कॉलम में आपको जो जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको आप मेंशन कीजिए, राइट। एंड देन द नेक्स्ट कॉलम इज रिजल्ट ऑफ न्यू बैटल। यस, जब आपने अपने आप को पूरी तरीके से रीआर्म कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया, इन दैट केस अब आप बैटल में जा रहे हैं। बैटल में जाने का मतलब जहाँ जहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए थे फिर से आपने दोबारा अप्रोच किया, और फिर देखिए अपने आप को चेक कीजिए कि क्या वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, यानी अब आपको रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब आपने क्या किया, रिजेक्शन को फाइनली रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो इस कॉलम में आप लिखिए यस आई एम रिवॉर्डेड, राइट। जो भी आपको रिवॉर्ड मिला, यानी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, क्लाइंट ने आपको बिजनेस दिया, एग्ज़ाम में आप पास हो गए, गर्लफ्रेंड ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यानी बॉयफ्रेंड ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, राइट, तो जो भी चीज़ था आप इसको रिजल्ट ऑफ न्यू बैटल वाले कॉलम में फिल कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द रीआर्मिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट एफर्ट, अगेन यू आर रिजेक्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आपको फेस करने की आदत भी डालनी चाहिए, राइट। अगेन अगर आपको रिजेक्शंस मिल गई है तो इस कॉलम में लिखिए कि आई एम रिजेक्टेड अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन दैट केस फिर से आपको फर्स्ट स्टेप से लेके फोर्थ स्टेप तक फिर से इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, जब तक आप अपने गोल को हासिल ना कर लें, जब तक आप अपने ड्रीम को हासिल ना कर लें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नेटवर्क में, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में रिजेक्शंस फेस किया होगा, तो रिजेक्शंस को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करने की जो ताकत है इस वीडियो से उनको डेफिनेटली मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। This is Shiv Pandey, the founder of Ignatio Premium.